भाई हो चुका है हमारा पोपट, हरीश भाई ने हमारे दूध वगैरह सब कुछ लौट लिया था, पर हमारा जो लाइटर था वो काम ही नहीं करा क्योंकि उसके अंदर गैस खत्म हो चुकी थी। दूध दूध दिखाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 4:30, हमारे साथ हमारे फैजान भाई भी हैं। भाई किससे लगे वो फ्रेंड? कौन फ्रेंड सुबह के 4:30 बजे? कौन से फ्रेंड है? तो भाई सुबह के बज रहे आरिश भाई ओ सुबह के बज रहे हैं 4:30। और फिलहाल तो आप सोच रहे होंगे सुबह ही सुबह कैसे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी नींद आँखों में। तो अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों उठे हुए हैं इतनी सुबह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं जाता हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली हो चुका हूँ मैं तो पूरा रेडी, बाकी हमारे फैजान भाई चेंज कर रहे हैं कपड़े, ये भी आ चुके हैं नहा के। मुझे सिर्फ जैकेट पहननी है ऊपर से, जल्दी जल्दी। तुम तो बाकी अभी पूरी टीम हमारी बाहर खड़ी है, हमारा इंतज़ार कर रही है। अब जल्दी से मैं कुछ सामान जो रह गया वो रख लूँ, उसका हम इंतज़ार हो रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहे। करो यार, ही सोने की हो लग रही है मुझे। मैं चलता हूँ अफान भाई के घर अपने पुराने स्टूडियो पर, वहाँ जाकर अपना सामान वामान रखते हैं, अफान भाई को भी उठाते हैं, बाकी मिलते हैं फिर उसका बाद। फाइनली निकल चुके हैं, सामान वगैरह सब ले लिया है। हमारे फैजान भाई भी आ रहा है, मन्नान भाई भी आ रहा है, बिलाल भाई आ चुके हैं, तो अब चलते हैं। भाई सलमान भाई हमारे बैग की साइडिंग करते हुए कार में। फाइनली हारिश भाई भी आ चुके हैं हमारे, बाकी सब फैजान भाई और अफान भाई सबसे पीछे हैं, बिलाल भाई कर रहे हैं ड्राइविंग में बैठा हुआ, तो अब चलते हैं। पेट्रोल वगैरह पड़वा लिया है, अब चलते हैं नॉन स्टॉप। गाइस काफ़ी थक चुके थे और पहुंच चुके हैं रुड़की, साबिर पाक की ज़ारत पे। सब बोले भाई ज़ारत पे होते हुए चलेंगे हम। फैजान भाई, हाँ भाई, कैसी थकान हो रही है? थकान अभी रहा, अभी तो स्टार्ट नहीं है। बाकी हमने अपना खाना पीने का सामान निकाल लिया है, यहाँ धूप आ रही है, हम यहाँ पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद ज़ारत पे जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे बाकी। चलो आ जाओ भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ होटल पे, लगाओ खोलो यार इस भाई। हाँ भाई, इनकी तबीयत खराब हो गई थी भाई साहब की, दवाई लेकर आ चुके हैं। चाय बोल दी बुला भाई, चाय बोल दी, बैठो भाई। तो भाई खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है, बाकी पहुंच चुके हैं हम ज़्यादातर, आपको दिखाते हैं। मन्नान भाई वगैरह आगे चल रहे हैं, मन्नान भाई पीछे हैं, मन्नान भाई पीछे। ये आ गया सामने ज़्यारत का गेट, फाइनली आ चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया है और ज़ारत पे भी होगा आ चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। अब चलते हैं अपने मंजिल से और आगे, आपको आज बहुत ही घुमाएंगे, एक से एक बढ़िया जगह दिखाएंगे। अभी तो ये हमारा पहला स्टॉप था कि हमें वहाँ जाना था ज़ारत पे, ज़ारत हो चुकी है, अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते रहेंगे। और सलमान भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, हमारे दोस्त नहीं आए, हमारी पूरी टीम नहीं आ पाई, तीन जन आए पूरे आर फोर एच का, तीन नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट ट्रिप होगी पूरी टीम के साथ होगी, पूरी आर फोर एच की टीम होगी इंशाल्लाह। ईद पे चलते हैं आप आगे और आपको दिखाते हैं। फाइनली हम हो चुके हैं पहाड़ों पे एंटर, बाकी जैसे ही पहाड़ आए सब हमारे साथ ही सो रहे हैं, सलमान भाई आ रहे हैं, जाग रही हूँ, अब तो आ रहा मजा भी लाल भाई, सो रहा है यार है। मेरी जान, आपको पता ही है हमारे बार आते हैं पहाड़ों पर ही हैं, पर इतना आप गैस करिए कहाँ आए होंगे। सुबह से कंटिन्यूस चल रहे हैं 5 बजे से, और टाइम क्या हो गया, टाइम बज रहा है 2, अभी तक डेस्टिनेशन पर अपनी पहुँचे नहीं है, बाकी आपको जाके पहुँच के दिखाते हैं, आप इतने टाइम स्लैप का मजा करिए। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश हेल्प अप्स। तो गाइस आपने इतना पहचान ही लिया होगा हम आए कहाँ हैं हिमाचल, अभी ये नहीं बताएंगे जा कहाँ रहे हैं,
बाकी आप इतने कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस फाइनली अब हमने स्टॉप लिया है, अब यहाँ चलते हैं। कुछ लोग कह रहा था भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, देखते हैं चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वैसा भी इतना ठंडा मौसम है तो नहीं यहाँ का, साइड में आगे साइड में वो खड़े हैं बाकी तीन लोग हमारे, बहुत ही ज़्यादा राजमा चावल बाकी वो लगा रहे हैं दूसरी प्लेट, यहाँ सब खा रहे हैं हमारे साथ ही। चाय भी लगा देना भैया, ठीक है सर। तो गाइस चाय वगैरह और राजमा चावल वगैरह खा लिए हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पर। बाकी देखते हैं व्यू अच्छा मिलेगा तो स्टॉप ले लेंगे, वरना तो मूड के ऊपर डिपेंड है हमारे। अरे भाई आइए आइए, चाय पी लिया आपने अपनी बड़ी जल्दी। चलो फिर गाइस मिलते हैं आप। और चाय आरिश भाई आ चुके हैं, मैगी और चाय आ चुकी है, बनाते हैं। पहले बनाते हैं उसके बाद फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा बनाने का। हाथ कांप रहे हैं वीडियो बनाते हैं। लो मनन भाई जलाना स्टॉप, भाव कितने का बनेगी देखते हैं, बना लो 25-30 कप यार। वो डिब्बा ढकला वाला देखते हैं, पहले फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा, और इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी हमने डेस्टिनेशन बताई नहीं है, बस थोड़ी देर और बस पहुंचने ही वाले, फिर फाइनली बताएंगे आपको। तो गाइस हो चुका है हमारा पोपट, हरीश भाई ने हमारे दूध वगैरह सब कुछ लौट लिया था, पर हमारा जो लाइटर था वो काम ही नहीं करा क्योंकि उसके अंदर गैस खत्म हो चुकी थी। दूध दूध दिखाओ, अभी दूध आगे लेके बैठे हुए गिराई उमद भाई साहब लाइटर की। अब पहले माचिस या लाइटर लो, हरीश भाई के काम है भाई साहब। भैया हमारे क्या काम है, हमें क्या पता था लाइटर गैस नहीं लगा के ऐसे बैठे जैसे सब कुछ आज ही बना लेंगे। अब इसको इससे पूछे स्कॉर्पियो ऑर्डर ऐसे नहीं देता बेटा कोई। वाला क्या मिल चुकी है हमें, माचिस कार में ही थी पर मिल नहीं रही थी। चाय बना रहे हैं, बाहर का मौसम बहुत ही ठंड लग रही है गाइस, मैं बता नहीं सकता आपको कितनी ठंड लग रही है। तो हमने जगह ढूंढनी है किसी चीज के नीचे, हम यहाँ बना रहे हैं हमारे। ये भैया कितने मोदी भाई, 7 जने। लो पानी निकाल दूध। तो गाइस यहाँ बन रही है हमारी चाय, सभी साथी लगे हुए हैं। मैगी का प्लान कैंसिल हो चुका है, मैगी बनाएंगे बाद में। मैगी वगैरह भी हम बहुत लेकर आए हैं, चाय उबल गई उबल गई। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा माशाल्लाह से मजा आ गया, चाय भी हमारे बिलाल भाई ने बहुत बढ़िया बनाई थी, और हम पापे वगैरह नमकीन वगैरह लेकर आ गए थे। बाकी सामान हमने रख दिया है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, हम जल्दी से जल्दी पैक कराए हमने। बाकी अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पर रूम पर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, अब बता ही देते हैं अब हम आए कहाँ हैं। हम आए हैं शिमला, तो फिलहाल तो फाइनल शिमला पहुँच चुके हैं, और टाइम हो रहा है आपका 6:10 है, सुबह निकले थे 5 बजे, लगभग 11 घंटे हो चुके हैं हमें। फिलहाल तो अभी हम रूम देखने के लिए जा रहे हैं, मन्नान भाई बिलाल भाई और मैं, बाकी सब लोग कार में बैठे हैं। पहले एक बार रूम डिसाइड हो जाता है उसके बाद देखेंगे, बाकी आप चलते हैं दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। बहुत ही मुश्किल, शायद ही मेरी ऐसी कोई ट्रिप होगी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है रूम लेने के लिए। बाकी सलमान भाई ये हैं, और यहाँ का बस हमें ये चाहिए था व्यू, इस वजह से देर हुई है हमें। यहाँ से व्यू देखियो, हमें ये चाहिए था, यहाँ अपनी नाइट पार्टी चलेगी और यहाँ अपना व्यू चलेगा आराम से। और अपना रूम, ये आ गया एक डबल बेड, ये आ गया तुम्हारा भाई, एक बेड ये है, एक बेड ये है, एक ये है। यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट है, वो आरिश भाई अंदर। बहुत ही थक गए, यहाँ टीवी यूनिट वगैरह भी लगा हुआ है, बिलाल भाई वगैरह और फैजान तो नीचे ही है, अभी तक आए नहीं है। बहुत ही थक गए, मैं बता नहीं सकता, शायद ही पहली लाइफ में मेरा ऐसे बार हुआ मेरे साथ, सिर्फ इसके चक्कर। कोई बात नहीं यार, घूमना आए हैं ऐसा तो होता रहता,
मिल गया, बात ख़त्म, हम आराम से थोड़ा बहुत थोड़ी देर आराम वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं खाना वाना खाने, या हम दोनों तो प्लान यही है, यहीं बैठ कर हम मैगी वगैरह बनाएं अपनी और इन्जॉय करेंगे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आज है गाइस रिपब्लिक डे और माशाल्लाह तो हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, तिरंगा भी हमारा। बाकी हमारी टीम चल रही है, खाना खाने जा रहे हैं, बिलाल भाई खड़े हैं। यहाँ का चर्च देखिए बहुत शानदार, मजा आ गया। सलमान फिल्म की शूटिंग हुई है, नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा सर, बाकी आपको पूरा माल रोड घुमाते हैं आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यू है माल रोड का। यहाँ पे जय के लिखा जय हिंद, आपको सब चीज़ दिखाएंगे, अभी बस खाना खा लें एक बार, पेट पूजा हो जाए हमारी, सब चीज़ें दिखवाएंगे। यहाँ का पुलिस स्टेशन है और देखिए कैसे डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। बाकी टीम हमारी आगे चल रही है, अभी आपको दिखाते हैं पूरा, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। आए थे कार में से लगेज निकालने, सबके सब इतना थक चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ऊपर चढ़ाई है यहाँ पे। सब यही कह रहे हैं पहली जिंदगी में पहली और आखिरी बार शिमला आए। अबे हाँ, मैगी मसाला लेना। तो गाइस फाइनली रूम पर पहुंच चुके थे, 11 बज रहे हैं, लगेज वगैरह सब अपना आ चुका है, ये रखे हुए बैग और ये सब खाना खा रहे हैं। हम तो बाहर ही खा कर आ गए थे, सलमान भाई बोले मैं दाल मखनी खाऊंगा, तो इनके लिए दाल मखनी वगैरह आ गई है। बाकी हुक्का पार्टी वगैरह होगी हमारी, चाय वगैरह बनेगी। अफान भाई यहाँ बैठे हैं, बिलाल भाई बाथरूम में, अब जल्दी से ये खाना खा ले उसके बाद चाय बनाते हैं। गाइस यहाँ बन रही है मैगी सबों के लिए, क्योंकि वो खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आया सभी साथियों को, सलमान भाई लेकर आए थे वो 370 रुपए बर्बाद गया। तुमने करे भाई, हमने तो जो खाया था बिलाल भाई, मज़ा आया था नहीं वहाँ पे, मज़ा आया था नहीं। अब तो यहाँ पे फिलहाल बन रही है मैगी, फाइनली रूम पर आ चुके थे, बाकी चाय वगैरह पी लिए, मैगी वगैरह खा ली हमने। बाकी यहाँ पर आए हम टेरेस पे थोड़ा मजा करने के लिए, बैठने के लिए, और बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस, चला दो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।